Taking forward the theme of vocal for local shaving with Indian made products. So the products which I'm going to use today are the Roman 7 Viceroy razor. काफी लोगों ने मुझे बोला था कि आप ये razor use करके बताइए कैसा है. वैसे मैंने razor पहले use किया है, बहुत बढ़िया है. आज एक और बार देखेंगे कैसा है. इसमें मैं blade use कर रहा हूँ Parker Super Platinum which is on use number 7 आई गए, सातवीं बार यूज कर रहा हूँ. देखते हैं अगर ये ब्लेड ने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे पास Zorich सुपर प्लेटिनम का ब्लेड रखा हुआ है, इसकी भी परफॉर्मेंस एक बार टेस्ट करना है मुझे. सेकंड प्रोडक्ट इज Parker सैंडलवुड शेविंग सोप पिंक वुल्फ सिंथेटिक ब्रश पिंक वुल्फ आफ्टर शेव जेल गुड फॉर समर्स वेरी नाइस एरोमा विल चेक इन आफ्टर शेव सेक्शन. सो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को. योर लाइक्स एंड थम्स अप हेल्प मी, कमेंट्स आर वेरी वेलकम एंड योर सब्सक्रिप्शन आल्सो हेल्प. सो लेट्स बिगिन. सो Parker का शेविंग सोप कुछ इस तरीके से दिखता है. मैं ये शेविंग बोल में यूज़ कर रहा हूँ फॉर गेटिंग अ वेरी क्लासी लुक. सो समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा पानी मैंने चेहरे पर लगा लिया है. ब्रश को थोड़ा सा वेट किया है मैंने, ब्रिसल्स उसके ज़्यादा गीला नहीं रखा है, थोड़ा सा गीला किया. एंड देन जैसे क्योंकि ये पक है मैं इसमें से डायरेक्टली फेस लादर कर रहा हूँ, बट क्योंकि इसको हाथ में नहीं पकड़ सकता इसके लिए मैंने बोल में डाला है. बोल लादरिंग नहीं कर रहा है इसे. सो थोड़ा सा सोप लिया है, देखते कितना लादर बनता है. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वापस से थोड़ा सा सोप और कलेक्ट करूंगा ब्रश पे ब्रिसल्स. तो दोस्तों, इस सोप की कंसिस्टेंसी को देख के मुझे ना हेल्थ बड़ी जीरो टॉक्स का भी एक सैंडलवुड सोप आता था उसकी याद आती है. इसका एरोमा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑफ कोर्स चंदन जैसा है. सैंडलवुड बहुत फ्रेशनिंग है और समर्स के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट, बहुत ही सही है समर्स के लिए. बहुत ही बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा एरोमा है इसका. ऑल राइट, सो Roman 7 Viceroy रेजर फर्स्ट पास विद द ग्रीन.
सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पास एब्सोल्युटली स्मूथ, वेरी गुड, माइल्ड रेजर, डेफिनेटली नॉट एग्रेसिव, इट इज़ माइल्ड, बहुत ही बढ़िया स्मूथ शेविंग, और इसका वेट काफ़ी अच्छा है, नर्लिंग है हैंडल में, नर्लिंग हैंडल में अच्छा है, डिज़ाइन भी बढ़िया है, लाइक इट, एर्गोनॉमिक टू यूज़ काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा ओवर आएंगे इसमें, लेकिन आप इसका ब्लेड अलाइनमेंट देखो, दोनों तरफ से परफेक्ट है एकदम, दोनों तरफ से परफेक्ट, वेरी नाइस रेजर। सो नाउ सेकेंड पास के लिए लादरिंग करेंगे एंड देन अक्रॉस ग्रोथ। नाउ जस्ट बिफोर दैट, एज फार एज पार्कर का जो सोप है, बहुत शानदार है यार, आई मीन समर्स के लिए तो डेफिनेटली इतना बढ़िया है, सैंडलवुड का एरोमा प्लस स्लिकनेस, लादरिंग भी बहुत अच्छी है। मैं आपने देखा होगा बीच बीच में मैं पानी ऐड करता गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वॉल्यूमिनस और बढ़ाना चाहिए लादर को, इसलिए बाकी तो स्लिकनेस तो अभी भी बहुत है, बहुत सारी है। सेकेंड पास के लिए लादरिंग करते हैं। All right, second pass across the root. ग्रेट सेकेंड पास, वेरी स्मूथ अक्रॉस द ग्रोथ, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी माइल्ड रेजर, बट माइल्ड डज नॉट मीन कि इफेक्टिव नहीं है, काफ़ी इफेक्टिव रेजर है, बहुत अच्छे से शेविंग करती है। आप जब शेव कर रहे हो, मैं जब शेव कर रहा हूँ तो मुझे ब्लेड का बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा, वो ब्लेड का बाइट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्मूद है। सो डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ माइल्ड रेजर, तो आप आँख बंद करके रोमर 7 माइसॉरी चूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं ट्विस्ट टू ओपन में, और सरप्राइजिंगली इस प्राइस रेंज में ऐसी स्मूथनेस और ऐसी शेविंग अगर कोई रेजर दे रहा है तो दैट इज़ रियली एडमायरेबल। सो वेरी गुड जॉब प्रोमर 7 फॉर मेकिंग दिस रेजर, वेरी नाइस। अच्छा, जो ब्लेड है यार, अब 7वीं बार आज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा डिग्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कुछ भी मेरे को टगिंग या बिल्कुल फील हुआ, बिल्कुल भी नहीं, स्मूथली शेव हुआ। मैं इसे एक शेव और कर सकता हूँ, तो वो मैं डिसाइड करूँगा बाद में कि करना चाहिए या नहीं, बट आई थिंक मैं ट्राई करूँगा इसको 8वीं बार भी पार्कर की ब्लेड को, और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस है। और मैंने इसको कुछ ऑयलिंग नहीं की, कुछ अलग से मेंटेन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको रेजर में ही धो के साफ करके सुखा के रखता था बस। लास्ट 7 शेव में, 2 डेज इंक्लूडेड, आज वाला मिला कि मैंने उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वैसा का वैसा ही। अब थर्ड पास।
तो यार थर्ड पास पे भी देखो आप कितना शानदार लादर, थोड़ा सा पानी मिला एकदम वॉल्यूमिनस लादर रेडी हो गया। थर्ड पास के लिए इतना काफ़ी है, चीक्स पे अक्रॉस द ग्रोथ और नेक पे अगेंस्ट द ग्रेन करने के लिए। लेट्स सी। थर्ड पास इज डन। अब आफ्टर शेव सेक्शन और उसके बाद में प्रोडक्ट का रिव्यू और फिर क्वेश्चन आंसर्स। पिंक वुल्फ आफ्टर शेव जेल वेरी वेल सूटेड फॉर समर्स। सो चेहरा मैंने पूछ लिया है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखा है चेहरे पे, क्योंकि आपको पता है मैंने ऐसे लास्ट लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप जेल टाइप के आफ्टर शेव यूज़ करो तो आप ज़्यादा गीला मत रखो, बस थोड़ा सा, जरा सा, इतना ही बस। क्या बात है। एक्चुअली सैंडलवुड सोप के साथ में ना ये पिंक वुल्फ का ऊद एंड सैंडलवुड बहुत मैच कर रहा है। इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। इसको मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में कभी भी यूज़ करो, बहुत ही बढ़िया लगता है इसका फ्रेग्रेंस। सैंडलवुड का इन ओवरऑल ही फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगता है। ऑल राइट, सो आफ्टर शेव सेक्शन भी हो गया, वेरी गुड। सूदिंग आफ्टर शेव जेल बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, एट द सेम टाइम मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है स्किन को, स्किन टोन्ड भी लग रहा है, एरोमा तो डेफिनेटली अच्छा ही है, बट नो इरिटेशन, जलन वलन कुछ भी नहीं है। अब देखते रहते हैं प्रोडक्ट्स। सो रेजर रूमर 7 वाइसरॉय वेरी गुड। ट्विस्ट टू ओपन सिंपल ब्लेड लोडिंग मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया। रेजर कम प्राइस में प्रीमियम रेजर जैसा परफॉर्मेंस, ट्विस्ट टू ओपन जैसा अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई रोमर 7 वाइसरॉय। इसका एक प्रीमियम वर्जन भी आता है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो मैंने यूज़ भी किया हुआ है पहले की वीडियोज़ में। तो रेजर डेफिनेटली गुड, इसके अंदर का ब्लेड 7th परफॉर्मेंस था आज, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई टगिंग वगिंग कुछ भी नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे फुंसी हो गई है कोई बात नहीं, सो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। पार्कर सैंडलवुड शेविंग सोप, नाइस स्लिक वॉल्यूमिनस लादर, और वैसे देखा जाए तो इसमें कोकोनट ऑयल है, ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल, हाँ लेकिन इसमें एसएलईएस है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी कुछ ऑलिव ऑयल है, उसके बाद सैंडलम एल्बम विच इज सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा एक्सेट्रा। सो नाइस नाइस शेविंग सोप, ये भी आजकल काफ़ी रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी लोग पूछते हैं ये। जब मैंने वेट शेविंग स्टार्ट की थी तो मेरे भी ख्याल में आया था काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ और ब्लॉग्स पढ़ने के बाद में, कि मैं नहाने के पहले शेव करूं या मुझे नहाने के बाद में शेविंग करनी चाहिए। सो दोस्तों कैसा है, नहाने के बाद में आपके जो बाल हैं वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, आप फेस वॉश करते हो,
आप जो भी स्किन केयर ट्रीटमेंट फॉलो करते हो वो उससे आपके बाल मॉइस्चराइज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आप फेस वॉश यूज़ करते होंगे, नॉर्मल सोप से क्या होता है स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, या फिर आप मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करो या फेस वॉश यूज़ करो तो उससे आपके बाल मॉइस्चराइज हो जाएंगे। अगर आप गर्म पानी से बाथ लेते हो तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक गर्म पानी के कॉन्टैक्ट में रहते हो तो आपकी स्किन भी थोड़ी सी पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, बाल मॉइस्चराइज हो जाते हैं और बाल थोड़े लूज़ हो जाते हैं, तो शेविंग करने में और ईजी होता है। सो डेफिनेटली आइडियली तो बाथ लेने के बाद ही शेविंग करना चाहिए, सबसे बढ़िया रिजल्ट तब मिलता है। लेकिन अगर आप बाथ नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल इवनिंग में आप प्रेफर नहीं करते बाथ लेना लेकिन आपको शेविंग करने के लिए यही सबसे बढ़िया टाइम मिलता है, तो आप मेरे जैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं ये एरगो का मेरा फेस वॉश यूज़ करता हूँ, अच्छे से बहुत बढ़िया फेस वॉश करता हूँ टाइम लेके, एज दिस इज़ माई टाइम एंड माई प्लेस, सो अच्छे से फेस वॉश करता हूँ, उससे भी बाल काफ़ी मॉइस्चराइज हो जाते हैं। मैं गर्म पानी यूज़ नहीं करता, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट वाटर यूज़ करता हूँ, उससे भी मेरे बाल काफ़ी अच्छे मॉइस्चराइज हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी शेव हो जाती है। इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है, वो लोग बोलते हैं कि उनको हॉट वाटर सूट नहीं करता, हॉट वाटर से वॉश करने पे उनके स्किन पे रेड मार्क्स आते हैं या रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो प्रीफर करते हैं कोल्ड वाटर से या ठंडे पानी से या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से शेविंग करना। सो ये दो तरीके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों ट्राई करके देखो, आपको जो जमता है आप वो स्टिक करो, उस पर स्टिक करो, आपको यूज़ करो। ओके, सो आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। कीप अप द गुड शेप्स, बाय, चाओ।